सो फ्रेंड, अगर आपने इजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लिया था ये सोच के ताकि आप अपना अंदर में ज्यादा से ज्यादा रिटेलर क्रिएट करोगी और आपका रिटेलर जितना ज्यादा अच्छा काम करेगा उसका ऊपर आपका एक डेली के डेली अच्छा खासा कमीशन के तौर पे आपका अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट हो। सो फ्रेंड, आपका ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि आज का डेट में अगर आप इजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू कोई भी रिलर क्रिएट करोगी तो मे भी आपके सामने भी इस तरह से कोई ना कोई एरर आ जाए, सिस्टम डज नॉट सपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सच क्राइटेरिया, प्लीज कॉन्टैक्ट टू एडमिन। अगर आपके सामने भी इस तरह से एरर आ रहा है तो बिल्कुल आप भी न्यू रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाओगी। और इस टाइम अगर आप रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाओगी इसका मतलब आपका अर्निंग भी ग्रो नहीं हो सकता है। सो फ्रेंड, अगर आप इजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप इजीपे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी के थ्रू अच्छा से अच्छा इन फ्यूचर अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो। सबसे पहले को बता दूंगा ये प्रॉब्लम आखिर आता क्यों है, इजी पे में कौन सा पॉलिसी अपडेट किया था जिसकी वजह से आप रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाओगी, तो इससे कारण सबसे पहले को बता दूंगा एंड वीडियो का एंड में को बता दूंगा इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या होने वाला है, किस तरह से आप न्यू रिटेलर क्रिएट कर पाओगी तब कि आपका अर्निंग लाइफ टाइम तक ग्रो हो सकता है। सो फ्रेंड, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखो। सो फ्रेंड, मैं फर्स्ट टाइम आपको इजी पे के थ्रू मेंबर रजिस्ट्रेशन करके प्रोसेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर किया था, देन मेरा जो फोर डिजिट का पिन है इस पिन को मैं सबमिट किया था। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फुल एड्रेस एंड उसके बाद मोबाइल नंबर, स्टेट एंड सिटी का नेम, जो जो चीज़ आपको फिल करना पहले से होता है वो भी सेम चीज़ मैं कस्टमर का आधार कार्ड से सेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस फिल करता हूँ। ठीक है, आप भी इस तरह से कोई भी क्लाइंट को जब रिटेलर बनाओगी, रिटेलर में रजिस्ट्रेशन करोगी तो आपको भी सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि उसका आधार का पीछे में जिस तरह से एड्रेस है सेम एड्रेस मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। देन जो स्टेट है क्लाइंट का यूपी उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट किया था एंड उसका जो सिटी है सिटी का नेम भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, लखीमपुर खेरी। ठीक है, एंड उसका जो एरिया का पिन कोड, उस पिन कोड भी यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, एंड उसका नीचे है ईमेल आईडी, सो ईमेल एड्रेस भी पेस्ट किया था, प्रोसेस टू नेक्स्ट में क्लिक किया था, उसके बाद सिलेक्ट मेंबर टाइप तो डिटेल क्लिक किया था, फाइनल सबमिट किया था। ये देखो भाई, सिस्टम डज नॉट सपोर्ट बोलकर एक एरर आ चुका है, नीचे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिस्टम डज नॉट सपोर्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्च क्राइटेरिया, प्लीज कॉन्टैक्ट टू एडमिन। इस तरह से एरर आ रहा है बार बार एंड ये सबमिट नहीं हो रहा है, इसका मीन्स है ये आईडी रिटेलर क्रिएट नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, आपको भी इस तरह से रिटेलर क्रिएट करने में ये आ रहा है तो पहले जान लीजिए, अगर आप जो भी स्टेट में बिलोंग करते हो उस स्टेट अलावा कोई दूसरा स्टेट का कोई भी कैंडिडेट को आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगी, जो कि 1 जनवरी 2023 से कंपनी ने ये पॉलिसी लागू कर दिया था। जैसे कि मेरा जो आईडी है वेस्ट बंगाल का है, मैं वेस्ट बंगाल में बिलोंग करता हूँ और मैं जो क्लाइंट को रजिस्ट्रेशन करता हूँ वो यूपी वाला है, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, आप जो भी स्टेट में बिलोंग करते हो केवल उसी स्टेट का जो क्लाइंट है उसके के लिए आप इजी पे का रिटेलर क्रिएट कर पाओगे, कोई दूसरा स्टेट का क्रिएट नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, आपको बता दूंगा, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर क्रिएट करना हो तो इस टाइम आपको ऑफलाइन मार्केटिंग ही करना है। कंपनी का ये जो अपडेट आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, मेरे तो बिल्कुल भी ना पसंद है इसको, क्योंकि मेरे जो मार्केटिंग होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ही होता है, तो मेरे लिए ये बहुत ही बुरा अपडेट है। तो आपके लिए क्या अपडेट है आप कमेंट जरूर कर सकते हो। ठीक है, एंड कोशिश करो आप जो स्टेट में है उसी स्टेट का ही एड्रेस आप सबमिट करो तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और इस तरह से आपका लोकलिटी में ज्यादा से ज्यादा रिटेलर क्रिएट करो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। जहां पे मनी ट्रांसफर का ऊपर, जो कि 1 जनवरी 2023 से कंपनी मनी ट्रांसफर का ऊपर भी कुछ जो चार्जेस वो इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, जैसे कि मनी ट्रांसफर, इजी पे ट्रांसफर एंड यूपीआई ट्रांसफर, जो आप जानते हो इजी पे में तीन ऑप्शन है जहां पे आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, यहां पे भी उसका जो
ट्रांजेक्शन इंक्रीज कर दिया था। तो ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को मेरा टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो, इसको रीड कर सकते हो, आप ही कौन सा नियम में हमारे ट्रांसफर कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो का कुछ भी क्वारी है तो प्लीज कॉमेंट कर सकते हो। आगे भी इस तरह से अपडेट देखना है तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और सेफ ऑफ सेफ वेस्ट बंगाल बालोई ने आप मेरे तरफ से इजी पे का फ्री रिटेल आईडी ले सकते हो। अगर आप वेस्ट बंगाल में बिलोंग करते हो, अगर आपका आईडी प्रूफ वेस्ट बंगाल का है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको फ्री में इजी पे का रिटेल आईडी मैं क्रिएट कर दूंगा। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।